श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। हम आपको इस चैनल के माध्यम से पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए उपाय को सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। आप सभी को देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा, जिसे हम देव दीपावली भी कहते हैं, वैसे तो हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है, लेकिन हिंदू धर्म में कार्तिक माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि अत्यंत पवित्र और खास मानी जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है। देव दीपावली को देवताओं के दिवाली के उत्सव के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। त्रिपुरासुर के अंत की खुशी में देवताओं ने संपूर्ण स्वर्गलोक में दिए जलाए थे, इसलिए इसे दिवाली के रूप में जाना जाता है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली भी कहते हैं। अब जानते हैं देव दीपावली का यानी कार्तिक पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त क्या है। पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर 2024 को सुबह 6:19 पर शुरू होगी और अगले दिन 16 नवंबर 2024 को 2:28 तक रहेगी। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत 15 नवंबर 2024 को शुक्रवार को माना जाएगा। अब जानते हैं देव दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का पूजन करने और दीप जलाने का शुभ मुहूर्त क्या है। देव दीपावली के दिन प्रदोष काल में शाम 5:10 से रात 7:47 तक रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा में अमृत काल 5:38 से 7:04 पर रहेगा। कोशिश करिएगा आप लक्ष्मी पूजन और दीप जलाने वाला कार्य इसी अमृत काल में ही करें। यह अमृत काल अत्यंत ही शुभ है। और याद रखिएगा पूर्णिमा तिथि के दिन राहु काल और भद्रा काल दोनों लगे हुए हैं, इसलिए आप कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भद्रा काल और राहु काल का समय देख लें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भद्रा काल का साया है। ज्योतिष शास्त्र में भद्रा और राहु को पूजन पाठ व शुभ कार्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। राहु काल सुबेरे 10:44 से 12:05 तक रहेगा और भद्रा काल सुबह 6:43 से 4:37 तक शाम को रहेगा। इसलिए आप इस समय पर पूजा अर्चना न करें। कोशिश करिएगा शाम को 5:10 से रात 7:47 तक ही आप पूजा अर्चना करें। अब चलते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए पूर्णिमा तिथि को किए जाने वाले विशेष उपाय। जो मैं आपको पहला उपाय बताने जा रही हूँ, ये धन संपत्ति को बढ़ाने वाला है। इस उपाय को आपको शाम के समय प्रदोष काल में ही करना है। जब आपको लगे कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो आपको देव दीपावली के दिन इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। महादेव ने माता लक्ष्मी से स्वयं कहा था, जिस घर के किसी एक भी व्यक्ति द्वारा 5 दीपक जलाए जाएंगे तो आप उनके घर में प्रवेश करना और साल भर उनके घर में वास करना। इसलिए देव दीपावली के दिन 5 दीपक जलाने का क्रम है। यह 5 दीपक आपको कैसे और कब जलाने हैं हम आपको बताएंगे। जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, यह सारी जानकारी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताई गई है। आपको पहला दीपक किसी भी पास के तालाब, नदी, बावड़ी, कुआं, जो भी आपके समीप हो उस पर जलाना है। अगर आपके पास तालाब, कुआं या नदी नहीं है, तो आप जहां अपने घर में पीने का पानी भरते हैं उस स्थान पर एक लंबी बाती का दीपक जला दें। पहला दीपक आप जब वहां जला दें तो दूसरा दीपक आपको किसी मंदिर या शिवालय में जाकर जला देना है। भगवान शंकर को दीप जलाने के बाद आपको किसी वृक्ष के नीचे एक दीपक लगाना है। कोशिश करिएगा आप पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक लगाएं। यह दीपक भी लंबी बाती का होगा, पर जो आपने भगवान शंकर के मंदिर में दीपक लगाया है वो गोल बाती, जिसे हम फूल बाती भी कहते हैं, उसका लगाना है। चौथा दीपक आपको तुलसी के क्यारे में लगाना है। यह दीपक भी लंबी बाती का होगा। और पांचवा दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार में रखना है। इस दीपक को भी आपको लंबी बाती का ही लगाना है। सिर्फ एक दीपक जो भगवान शंकर को लगेगा वो फूल बाती का लगेगा, बाकी सारे दीपक लंबी बाती के लगेंगे और सारे दीपक घी के ही जलाने हैं। हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर जानकारी और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। हर हर महादेव।